ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। फ्रांस के नीस शहर में सुबह का शांत माहौल एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन से सनसनीखेज बन गया। नोत्र दाम चर्च के बाहर मची इस खलबली से आसपास के लोगों को अंदेशा हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ये कोई आम दुर्घटना नहीं बल्कि एक आतंकी वारदात है। कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने चर्च के अंदर खून की होली खेल डाली। भगवान का घर बेगुनाहों के खून से लाल हो गया। ये वारदात नीस के नोत्र दाम चर्च के अंदर सुबह करीब 9 बजे हुई। चाकू लेकर घुसे एक शख्स ने अंदर बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावर ने 2 लोगों का गला काट दिया जबकि एक शख्स की चाकुओं के वार से हत्या कर दी। वारदात में कुल 3 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। हमलावर को पुलिस ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस बर्बर हमले से फ्रांस सन है। मृतकों को देश के संसद में मौन श्रद्धांजलि दी गई। फ्रांस में हुई ये आतंकी वारदात न पहली है न कोई अलग घटना है बल्कि कट्टरता की उस जंजीर की ताजा कड़ी है जो फ्रांस को एक अरसे से जकड़ना चाहती है। 2015 में फ्रांस ने इसका सबसे खौफनाक रूप देखा जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने वाली मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर में आतंकियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अब तक इस्लाम और ईसाई विवाद के नाम पर फ्रांस में कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन इस महीने अचानक ये जंग और भी तेज हो गई। अक्टूबर को पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की एक शख्स ने गला काट कर हत्या कर दी और 2 हफ्ते के अंदर करीब 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के दक्षिणी छोर नीस में कल ये हमला हो गया। कल ही नीस से करीब 250 किलोमीटर एवियोन शहर में भी चाकू लहराते एक शख्स को पुलिस ने ढेर कर दिया। इन 3 घटनाओं में हमलावर एक जैसे नारे लगा रहे थे। En étant une fois de plus victime de l'islamofascisme, il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous à la Wakbar alors qu'il était médicalisé sur place. लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार सीना तान कर कह रही है कि वो ऐसे करतूतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज तक ब्यूरो।